हाँ जी, सब भाई कैसे हैं भाई? आज बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए। ये पाइप यहाँ से ली गए, ये रेडिएटर हमने चेक किया था और इसका फिन निकाल के हमने देखा तो पीछे का पाइप लीक आ रहा है अंदर से। तो आपको फोकस करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, लीक आपने देख लिया होगा, पाइप फटा हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं फोकस करके आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, हाई क्वालिटी कर लीजिए, पिक्सल बड़ा कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। फटा हुआ पाइप दिख रहा है। हमने ये फ्रंट वाला पाइप थोड़ा साइड में कर दिया, चोट लगा के थोड़ा सा, कि अंदर थोड़ा सा बत्ती चल सके। ये देखिए, फोकस करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फटा हुआ पाइप सामने दिख जाए। अंदर का पाइप ली गए बिना कटिंग किए, बाहर का पाइप, अंदर अंदर का पाइप वेल्डिंग करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, और टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे। उम्मीद है आपने सभी ने देखा होगा कहाँ पर पाइप फटा है। वीडियो की अपनी क्वालिटी बढ़ा के चेक कर सकते हो, ठीक है, दोबारा वीडियो देख सकते हो। अभी वेल्डिंग करना हमने स्टार्ट कर दिया है। बाहर का पाइप हमने ब्लॉक नहीं किया, उसको स्क्रू ड्राइवर से ऐसे थोड़ा सा साइड में कर लिया पाइप को। तो देख सकते हो वेल्डिंग हो रहा है, अभी स्टार्ट हो चुका है। रोड के साथ फ्लेक्स लगा लिया मैंने गर्म करके। अभी वेल्डिंग हो गया थोड़ा सा ऐसे, जैसे थोड़ा सा राड देने के बाद फिर फ्लेक्स के साथ राड देना होता है, फिर फ्लेक्स के साथ राड। जितना फ्लेक्स दोगे उतना बेहतरीन वेल्डिंग आएगा। देखो, मैंने 4 बार फ्लेक्स लगा लिया रोड के साथ। रोड को ज़्यादा नहीं डलाना, उधर ज़्यादा गंद नहीं डालना है। रोड दे देकर रोड थोड़ा सा देना होता है, फ्लेक्स ज़्यादा दियो, पानी की तरह वेल्डिंग चलेगा, फिनिशिंग आएगा वेल्डिंग में। देखिए, 5-6 बार फ्लेक्स लगा के रोड के साथ मैंने रोड दिया, वेल्डिंग हो चुका है। पानी मारते हैं, अभी प्रेशर मारते हैं, फ्लेक्स ऊपर से निकल जाए। चेक करने के टाइम में अगर लीकेज रहेगा तो बाहर आएगा। वैसे कहीं पर भी हम वेल्डिंग करते हो लीकेज नहीं आता है। अभी आप चेक कर सकते हैं, टेस्टिंग करेंगे अभी इसको। और स्क्रू ड्राइवर से जब हमने पाइप साइड से किया, ये वाला बाहर वाला थोड़ा सा पाइप है ना, इधर थोड़ा सा लग गया, थोड़ा सा वो ऊपर ही, तो उधर भी हमने वेल्डिंग कर दिया था बाद में। और आगे की देख लेना आगे वीडियो में। अभी वेल्डिंग देख सकते हो, फोकस करके दिखा रहा हूँ वेल्डिंग हुआ। देखिए, वेल्डिंग चेक करो, वेल्डिंग प्रॉपर हो चुका है, यहाँ से लीकेज बिल्कुल भी नहीं आया, ना ही आएगा। अभी हम बाहर वाला पाइप में बेंड करने के टाइम में थोड़ा सा लग गया, अभी आप देख लेना, टेस्टिंग हो रहा है, प्रेशर है रेडिएटर के अंदर। देखिए, ओके रेडिएटर, ठीक है। देखिए, साथ में थोड़ा सा ऊपर से वेल्डिंग कर दी हमने, ये पाइप दिख भी नहीं रहा है वेल्डिंग हुआ है कि नहीं। पास में ऊपर से ही वेल्डिंग थोड़ा हो गया था, स्क्रू ड्राइवर से ऊपर से ही था वो। ये देखिए, प्रेशर है रेडिएटर में पूरा। एक साइड में फिटिंग लगाया, एक साइड में हैंड रखा हुआ है, आपको पता चले कि प्रेशर है रेडिएटर में, ऐसे नहीं है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। वैसे तो फिटिंग है, फिर भी हैंड रखा है। ये वेल्डिंग भी देख सकते हो, बाहर थोड़ा सा लगा था जो, ये भी मैंने वेल्डिंग कर दिया। अंदर भी वेल्डिंग देख सकते हो, प्रॉपर है, लीकेज भी नहीं है। ज़्यादा चैनल पर जाके वीडियो देखे रेडिएटर की, एसी की, पाइप कंडेंसर वेल्डिंग की, सभी वीडियो एल्युमिनियम वेल्डिंग की, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली एक वीडियो आता है, नया नया कुछ लेके आएंगे। ये प्रेशर आप देख सकते हो रेडिएटर में, ठीक है, टेस्टिंग ओके।